यही दोस्तों, थोड़ी देर में शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम में अभी से दहशत का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन बाहर होगा, कितने बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा, कहां मुकाबला खेला जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पांड्या और सूर्यकुमार यादव में से T20 का बेस्ट कप्तान कौन है? अपना सुझाव कमेंट कर अवश्य दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज में दो मैच जीतकर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम तीसरे T20 मुकाबले में सीरीज जीतकर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, वर्ल्ड कप में के फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद दो T20 मुकाबले जीतने से भारतीय टीम व फैंस का कुछ हद तक मनोबल बढ़ा है। दोस्तों, आपको बता दें, जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के शुरुआती दो मुकाबले के बाद बेंच पर बैठा दिया गया, वही T20 में कहर लाया है। हम बात कर रहे हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। पहले T20 में 39 गेंदों में 5 छक्के व 2 चौके की मदद से 58 रनों की विस्फोटक 68 की पारी खेली। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में 32 गेंदों में 4 छक्के व 3 चौकों की मदद से 52 रनों की 68 की पारी खेली। आपको बता दें दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। उस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश के शानदार शतक 110 रनों की और स्टीव के 52 रनों की बदौलत 20 ओवर में 208 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। इसके जवाब में एक गेंद शेष रहते भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया, जिसमें ईशान किशन 58 व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 80 रनों की ताबड़तोड़ व 68 की पारी खेली। वहीं लास्ट में रिंगू सिंह ने 22 रनों की बदौलत भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रन बनाए, जिसमें भारत की ओर से 3 अर्धशतक लगे, जहां यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों में 2 छक्के व 9 चौकों की मदद से 53 रनों की विस्फोटक व तूफानी पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 व ईशान किशन ने 52 रनों की अर्धशतकी पारी खेली। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, लास्ट में रिंकू सिंह ने आकर 9 गेंदों में 2 छक्के व 4 चौकों की मदद से 31 रनों की तूफानी और विस्फोटक पारी खेली, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी और भारत को 44 रनों से इस मुकाबले में जीत मिली। तीसरे T20 मुकाबले में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं सूर्या। सूर्या ने इन 11 खिलाड़ियों के ऊपर जताया है अपना भरोसा। ओपनिंग की बात करें तो कप्तान सूर्या ने कोई बदलाव नहीं किया है। यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आप बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो आक्रामक शैली के बल्लेबाज माने जाते हैं और वो इस चीज को साबित भी कर चुके हैं। पहले T20 में 8 गेंदों में 21 रन, तो वहीं दूसरे T20 में 25 गेंदों में 53 रनों की तूफानी व 68 की पारी खेलकर दिखा दिया था कि वो किस शैली के बल्लेबाज हैं। यशस्वी अपनी लय में आ जाए तो अच्छे से अच्छे गेंदबाज गेंदबाजी करने से डरता है। वहीं दोस्तों, दूसरे ओपनर की बात करें तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, जिनकी अगुवाई में हमारी भारतीय टीम ने एशियन कप में गोल्ड मेडल का खिताब जीता था। गायकवाड़ पहले T20 मुकाबले में रन आउट हो गए थे, वहीं दूसरे T20 मुकाबले में 58 रनों की 68 की पारी खेली थी। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने आएंगे। ईशान किशन भी आक्रामक शैली के बल्लेबाज माने जाते हैं। ईशान किशन ने पहले T20 मुकाबले में 58 व दूसरे T20 मुकाबले में 52 रनों की 68 की पारी खेली थी। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आएंगे। सूर्या को भला कौन नहीं जानता कि वो किस शैली के बल्लेबाज हैं, ऐसी उन्हें T20 का बादशाह नहीं कहा जाता। पहले T20 मुकाबले में 80 व दूसरे T20 मुकाबले में 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वहीं दोस्तों, पांचवे नंबर की बात करें तो फिनिशिंग किंग रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पहले T20 मुकाबले में 22 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में 9 गेंदों में 31 रन ठोक दिए थे, जिससे भारत का शानदार टोटल बना था। वहीं दोस्तों, छठवें नंबर की बात करें तो कप्तान सूर्या ने बदलाव कर दिया है। तिलक वर्मा की जगह पर शिवम दुबे को खेलने का मौका दिया है। शिवम दुबे भी आक्रामक शैली की बल्लेबाज माने जाते हैं।
और जरूरत पड़ने पर वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अक्षर पटेल बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। जब जब भारतीय टीम दबाव में होती है, अक्षर पटेल ने बखूबी भारतीय टीम के ऊपर से दबाव हटाने का काम किया है। इस सीरीज में बल्लेबाजी करने को तो ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। वहीं दोस्तों आठवें नंबर की बात करें तो रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज है। अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इन्होंने पहले T20 मुकाबले में एक व दूसरे T20 मुकाबले में 3 विकेट झटक चुके हैं। वहीं दोस्तों 9वें नंबर पर असुदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्हें यॉर्कर स्पेशलिस्ट का भी कहा जाता है, जिन्होंने पहले T20 मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला था, वहीं दूसरे T20 मुकाबले में एक विकेट ही मिला था। वहीं 10वें नंबर में युवा गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्हें पहले T20 मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला था, जबकि दूसरे T20 मुकाबले में एक विकेट मिला था। जबकि दोस्तों 11वें नंबर की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने दोस्तों इस सीरीज में शानदार गेंदबाजी करी है और पहले T20 मुकाबले में एक विकेट मिला था, वहीं दूसरे T20 मुकाबले में 3 विकेट झटक दिए थे। तो दोस्तों ये थे 11 खिलाड़ी जो तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।